लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। संगठन को धार देने में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। बागमारा में जीएमएम महिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें महिला मोर्चा बागमारा का पुनर्गठन हुआ। बैठक में महिला मोर्चा को 2024 की जिम्मेदारी सौंपी गई। देखिए ये रिपोर्ट। बागमारा में जेएमएम महिला मोर्चा ने स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के नव मनोनीत जिला कमेटी से महिला मोर्चा के पदाधिकारी समेत केंद्रीय समिति सदस्य नीलम मिश्रा शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में टुंडी विधायक मथुरा महतो शामिल हुए। इस मौके पर जेएमएम महिला मोर्चा का भी पुनर्गठन किया गया, जिसमे निर्विरोध रूप से पूर्व की प्रखंड अध्यक्ष प्रेमा पांडे को फिर से प्रखंड अध्यक्ष महिला मोर्चा मनोनीत किया गया। विधायक मथुरा महतो ने कहा 2024 में महिला विंग की भूमिका अहम होगी। तो बागमारा में महिला समिति को कैसे मजबूत करेंगे, इसको लेकर यह बैठक है। और इस बैठक से आने वाला समय में लोकसभा और विधानसभा में भी आपको देखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट में भी इजाफा होगा और राजनीतिक भी महिला के बीच में होगा। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मीणा हेम्ब्रम ने कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति में महिला मोर्चा बड़ी भागीदारी निभाएगी। वहीं केंद्रीय कमेटी की सदस्य नीलम मिश्रा ने कहा कि 2024 को ध्यान में रखते हुए महिला मोर्चा का विस्तार पंचायत स्तर तक किया जाएगा। बागमारा महिला मोर्चा की मनोनीत प्रखंड अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों ने जो दिशा निर्देश दिया है उसका पालन करूंगी। जो हमारी 24 में विधानसभा लोकसभा की चुनाव जो होगी, उसमें हम लोग एक नया रंग भरने का काम करेंगे। प्रखंड अध्यक्ष की महिला मोर्चा जो प्रेमा पांडे को अभी इस प्रखंड की जिम्मेदारी दी गई है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि पूरे 61 पंचायत के ये पंचायत स्तर का गठन करके हमारे बीच फिर इसी तरह से बैठक करके सामने रखेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग का संगठन को मजबूत करें। तो जिला कमेटी महिला मोर्चा जो गठन हुआ है, तो सारे महिला मोर्चा की जो पदाधिकारीगण है उनका स्वागत समारोह यहाँ रखा गया था। साथ ही यहाँ पे बागमारा का प्रखंड कमेटी महिला मोर्चा गठन किया गया। मेरा भी ये लोग स्वागत समारोह करके एक नया खुशी दे दिए, क्योंकि आज हम 10 साल से जेएमएम करते हैं और 10 साल से जेएमएम का जो पहले मेरा ऊपर जिम्मेदारी था जो प्रखंड अध्यक्ष थे, आज भी वही जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया है। 61 पंचायत का चुनाव करके दीजिए, अब जिस तरह से जो भरोसा करके जो कमान हमको मिला है उसको तो हम निभाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम महिला मोर्चा से पार्टी को काफी उम्मीद है। पार्टी की नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में महिला मोर्चा की भूमिका अहम होगी। न्यूज 11 भारत के लिए बागमारा से अशोक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।